मैं हूँ श्री चंद्रशेखर, शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक ऐसा घटना घटी जिसके बारे में सुनते ही आपके अंदर किसी कोने में कुछ बचा हुआ सेक्युलरिज्म होगा भी तो मिट जाएगा। एक बहुत ही पुरातन भगवान श्री राम के मंदिर में कुछ पापी यानी वही ईसाई लोग इकट्ठा होकर मेरा यीशु यीशु करने लगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी एक प्रश्न आया होगा कि भारत में हजारों चर्चे होने के बावजूद ये निकम्मे हिंदुओं के पवित्र स्थल पर ही आकर मेरा यीशु यीशु क्यों करते हैं? क्या वारंगल में कोई चर्च ही नहीं है, या तुम लोग भगवान श्री राम के चरणों में ही सुरक्षित महसूस करते हो? अगर मंदिर में जाने का इतना ही शौक है तो बता दो, घर वापसी करवा देंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर शिव की आराधना नहीं की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा किया गया मूर्ति की ही पूजा हो सकती है। एक तरफ हिंदू सेक्युलरिज्म का ठेकेदारी लेकर बैठा है और दूसरे तरफ तब PFI जैसे जिहादी संगठन हो गया जो 2040 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। एक और है मिशनरियां जो भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने में पूरी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। उसी में से है ये एक और घटिया सा ट्रिक, मंदिर में पापियों का गाना बजाना। ऐसा नहीं कि हम ये पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कैसे ये तिरुमला बालाजी मंदिर में अपना यीशु यीशु किए, फिर ऋषिकेश में और काशी में भी कुछ साधुओं का मासूमियत को कैश करके यीशु यीशु कराए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ मंदबुद्धि आकर लिखेंगे प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि इसके मजहब में इसकी किताब में कुछ दम है, अगर दम होता तो हर जगह जाकर पादरी को सेल्समैन के तरह मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप जानेंगे, जैसे विदेशी लोग अपने आप जानकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। पर इनके किताब में इनके परम पिता का एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिसको दिखाकर ये लोगों का धर्मांतरण कर सके, तो इसीलिए मंदिरों में जाकर भगवान श्री राम से तुलना करके मार्केटिंग करना पड़ रहा है। सड़कों पर माइक लगाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मार्केटिंग करना पड़ रहा है, पाम्पलेट्स के रूप में मार्केटिंग करना पड़ रहा है। वरना आपने कभी किसी हिंदू को देखा जो चर्च में या सड़क पर कहते कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम ही भगवान है, आप सब पापी हैं, या धर्म परिवर्तन करने भीख मांगते हुए? नहीं देखेंगे। और ऐसे मिशनरियों को रोकते हुए हिंदू को भी बहुत कम ही देखेंगे। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ कन्वर्शन गैंग वाले दिखे तो जरूर जाकर उनको रोक के सवाल कर सकते हैं, ये इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ मंदिर में या मंदिर के आसपास ही नहीं, कहीं पर भी आपका पूरा अधिकार है। ये देश के आगे अपने मजहब को रखेंगे ही, पर जब सवाल करें तो देश का संविधान दिखाकर कहेंगे कि ये हमारा हक है। तब हिंदुओं आप कहना कि ये तुम्हारा काला किताब संविधान के विरुद्ध है और हम मूर्ति पूजकों का भी विरुद्ध है, अरे बेसिक ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है। तो ऐसी किताब को हिंदुओं के पास सड़कों पर ऐसे मंदिरों में आकर प्रचार करना मतलब हमको प्रोवोकेट करना हुआ है, और ये बिल्कुल भी गलत है। अगर मंदिर में मेरा यीशु यीशु करना सेक्युलरिज्म हुआ तो चर्च में भी रामायण पठन हो जाए। याद रखना, सेक्युलरिज्म दो तरफा होना चाहिए, वरना जो वारंगल में हुआ वही भारत के कोने कोने में हो सकता है, और कभी आकर ये कह भी सकते हैं कि ये जगह हमारी है, इतिहास पढ़े होंगे ना। उम्मीद करती हूँ हिंदू भाई बहन ऐसे मामलों पर अपना आवाज उठाएंगे, और शिव शक्ति हमेशा ऐसे लोगों के साथ है। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।